नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, सोमवार, ये सोमवार आ रहा है और बारिश भी है, दोनों ही चीज़ों का बहुत बढ़िया संगम है। ये जो 12 दाने चावल के आज मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, इसे आप करके देखना, इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप सब जानते हैं दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग, शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनकी जबरदस्त विशेषता है, इनका जबरदस्त इनकी शक्ति है। जब आप शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम सिर्फ लेते हैं, उससे भी आपके ज़िंदगी में दुख और तकलीफ नहीं आती है। कंपेरेटिवली आप देखेंगे, मतलब कितने लोग ये बोलेंगे मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी लाइफ में ये तकलीफ है। तो आप देखना दोस्तों, जिंदगी में किसी की ज़िंदगी में मतलब पूरा सुख नहीं है। जब भगवान ने भी जन्म लिया, उन्हें पूर्ण सुख कभी नहीं मिला। लेकिन आप सोचें कि जो आप क्रियाएं करते हैं, आप अपने ईश्वर को जितना मानते हैं, जो आप अपने घर में भी पूजा पाठ करते हैं, जो आप सत्कर्म करते हैं, जब आप किसी का भला करते हैं, जब आप कोई पुण्यदान करते हैं, तो ये सारी ही चीज़ें आपकी लाइफ में उन बुरी चीज़ों को नहीं आने देती है। जो आपने कितनी बार, कितनी जगह आपने देखा होगा कि इतना बुरा होता है कितने ही लोगों के साथ कि आपकी आत्मा दहल जाती है। आपका मन उस समय सवाल करता है कि ओहो, इस आदमी ने ऐसा क्या पाप किया था कि इसके ऊपर ये बीत रही है, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी अच्छा काम किया ही नहीं होगा। आप जो क्रियाएं करते जाते हैं, जो पुण्य कर्म आप करते जाते हैं, ये सारी वही क्रियाएं हैं जो आपको ऐसे दुर्भाग्य से बचा लेती हैं। छोटी मोटी तकलीफें तो हर इंसान की लाइफ में आती हैं, और वो तकलीफ़ें भी दोस्तों इसीलिए आती हैं क्योंकि यदि वो तकलीफ़ें नहीं आएंगी तो आप ज़िंदगी का सबक नहीं सीख पाते हैं। तो कभी भी दोस्तों आप नेगेटिव ना हो। इस दुनिया में, इस सृष्टि में कुछ भी कभी भी गलत नहीं होता है। बस आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव क्रियाओं को पॉजिटिव होकर के करते रहें। तो आज दोस्तों आपको बता रही हूँ, सोमवार के दिन, वैसे दोस्तों मैंने एक पहले भी उपाय बताया था कि सोमवार के दिन 7 दाने चावल के आपको रखने थे। एक अदृश्य शक्ति हमेशा आपका साथ देगी। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप अवश्य उस वीडियो को दोस्तों सर्च करके देखना, अनोन वर्ल्ड वीना भदौरिया चैनल में, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। ये दोस्तों छोटे छोटे से उपाय हैं, जिन उपायों को करने से कुछ ऐसी शक्तियाँ अपने आप जागृत होती हैं जो हमेशा लाइफ टाइम आपकी मदद करती हैं। तो आज दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही उपाय बता रही हूँ जो आपको सोमवार के दिन करना है। सोमवार है, बारिश है तो ज़्यादा इफेक्ट है। अगर बारिश ना भी हो तो भी आप यदि सोमवार के दिन इसको करते हैं, आपका आप पर बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देखने के लिए मिलेगी। आपको दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों के यदि नाम पता है तो आप उन नामों को पहले याद कर लें। वैसे दोस्तों आप शिव जी की कोई भी किताब उठाएंगे, उसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के उनके नाम आराम से मिल जाते हैं, बराबर। और दोस्तों आप 12 दाने चावल के लिए जब आप सुबह उठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, तो 12 दाना चावल के लिए बिल्कुल अक्खे दाने होने चाहिए, बराबर। और आप 12-12 बार, या तो आपको शिवलिंग के नाम पता है तो एक बार आप एक चावल का दाना उठाएं, ओम नमो सोमनाथाय नमः, और आप दूसरे एक मिट्टी के दिए में एक मिट्टी के दिए में आपको ये रखने हैं चावल के दाने, और दूसरे मिट्टी के दिए में आपको उसे रखते जाना है, ओम नमो सोमनाथाय नमः, ओम नमो महाकालेश्वराय नमः, ओम नमो मल्लिकार्जुनाय नमः। इस टाइप से आपको 12 जो उनके ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के आपको नाम बोलना है, बराबर। केदारनाथाय नमः, दुष्मेश्वराय नमः, इस टाइप से 12 नाम बोले, और दूसरे दिए में आप उन 12 दाने जो चावल के उसे रख लें। घर में आप अपनी पूजा संपन्न कर लें। यदि आप शिवालय में नहीं जा रहे हैं तो फिर आप घर में करें, लेकिन घर में जो आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उसका दोस्तों उतना प्रभाव नहीं होता है जो शिवालय में होता है, क्योंकि शिव जी का पूरा वास शिवालय में ही होता है, जहाँ छत होती है, जो रहने के मकान हैं, जो गृहस्थ हैं,
वहाँ शिव जी की पूरी कृपा, मतलब शिव जी घर के अंदर उस तरीके से प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उनका स्थान हमेशा खुली जगह पर होता है। जैसे आप अपने घर में भी कहीं स्थापना कर रहे हैं शिवलिंग की, तो घर के बाहर करें, घर के अंदर ना करें। यदि घर के बाहर आपने प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग बिठाए हैं तो फिर आपको बहुत ही नियम पालने पड़ते हैं दोस्तों। यदि आप उतने नियम नहीं पाल पाते तो भी आपको उसका फल भोगना पड़ता है। तो शक्य हो तो आप शिव जी की जो भी पूजा है, जो शिवलिंग की पूजाएँ हैं, वो आप शिवालय में ही जाकर के कर दें, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों सोमवार के दिन ये 12 चावल के दाने आप लेकर के घर में आप उसे इस तरीके से अभिमंत्रित कर लें, और जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका काम नहीं हो रहा हो, उस इच्छा को भी आप 12 बार बोल दें गिन करके। पहले आप इस क्रिया को करें, उसके बाद आप उस इच्छा को बोलें, और ये 12 दाने चावल के आप शिवालय में लेकर के चले जाएं, और शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दें, और उसके बाद ये 12 दाने चावल के आप ऐसे रख दें कि एक भी दाना नीचे ना गिरे। कुछ नहीं तो दोस्तों, ज़्यादा नहीं तो भले 10 मिनट के लिए ये चढ़े रहें शिवलिंग के ऊपर, ऐसी आप कोशिश करें। दोस्तों शिव जी की पूजा चाहे जिसने भी की हो, जिसने भी की हो, आज तक सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने शिव जी की पूजा की हो और उसे फल ना मिला हो। बिल्कुल हाजिर हुजूर, वहीं पर आपको हाजिर मिलेंगे, वहीं आपको इसका रिजल्ट मिलता है। आप कम से कम दोस्तों 12 सोमवार इस उपाय को करें। वैसे दोस्तों आपको इसका रिजल्ट तो दूसरे तीसरे सोमवार से ही दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको 12 सोमवार कर लें, आप देखेंगे दोस्तों हमेशा अमुक जो ऐसे आशीर्वाद होते हैं जो हमें हमेशा आपके साथ चलते हैं, और शिव जी के आशीर्वाद तो दोस्तों बहुत ही अच्छे होते हैं। आप सोमवार के दिन इस क्रिया को कर लें, 12 दाने चावल की जो क्रिया है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, करके देखें। 12 सोमवार करें, रिजल्ट दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। और 12 सोमवार दोस्तों मैंने फिर से बताया, आपको लगेगा कि ये तो बहुत लंबा टाइम है, तो आप सिर्फ शुरुआत कर दें, आप बीज डाल दें पृथ्वी पर, उस पर जल डालते रहें, वो समय पर फल जरूर देता है। ऐसे ही शिव जी की अमुक पूजाएँ दोस्तों जो आप करते हैं और आपको फल अवश्य ही मिलता है, कभी थोड़ा समय लगता है। यदि आपके पुण्य बल साथ नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा समय लगता है, करते रहें, खुश रहें।